अनकंट्रोल्ड हो गया और तीन बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटना स्थल भी हम लोग गए थे, अभी घटना स्थल पर अब कोई नहीं है, सारे लोग यहाँ अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया वो खतरे के बाहर हैं, कुछ गंभीर हैं तो आईसीयू में हैं, चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए चार बच नहीं पाए। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। यहाँ डॉक्टर्स से जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं, फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है कि जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी और अगर उनका आश्रित कोई ऐसा है कि जो शासकीय सेवा में लिया जा सकता है योग्यता के अनुसार, तो ऐसी सेवा जहां वो सेवाएं दे सकता है हम सेवा में लेने का भी काम करेंगे। सरकारी घायलों को ठीक इलाज मिले इसके प्रबंध के साथ जो गंभीर घायल है उनको 2 लाख रुपए, जो साधारण घायल है उनके परिजन को 1 लाख रुपए, ये इलाज के अतिरिक्त हम देने की व्यवस्था करेंगे। जो साथी नहीं बच पाए उनके संरक्षक हम हैं, उनके परिवार की पूरी चिंता की जाएगी और घायलों का जो भी बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो करवाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम ये निर्देश भी देंगे कि विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अगर लाभान्वित किया जा सकता है, अगर किसी का मकान नहीं होगा, कच्चा मकान होगा, तो उसको मकान के लिए भी हम राशि अलग से स्वीकृत करेंगे और किसी अन्य योजना में जिसका लाभ नहीं मिल रहा होगा और पात्रता आती होगी तो उन योजनाओं का लाभ भी उनको दिया जाएगा। हम उनके परिवार के दर्द को, तकलीफ को पूरी तरह से कम करने की पीने की कोशिश करेंगे। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं।